हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आज आपको दोस्तों अंदर से दिखाने वाला हूं मैं डीजल लोको शेड तुगलकाबाद किस तरीके का दिखता है अंदर से। तो चलते हैं दोस्तों अंदर भारतीय रेलवे के इस जगह पर, जहां पे भारतीय रेलवे के रोज तत्पर रहने वाले इंजन्स की मरम्मत की जाती है। तो हमारे भारतीय रेलवे के इंजनों का अस्पताल किस तरह का दिखता है, कैसे उनके ब्लड प्रेशर को, उनकी शुगर को यहाँ पे कंट्रोल किया जाता है, तो आज थोड़ा बहुत देखते हैं अंदर से कि इनकी ओपीडी, इनका ऑपरेशन थिएटर कैसा दिखता है। तो ज़रा ये थोड़ा एक कॉरिडोर है, सबसे पहले यहाँ से आप वॉक इन करके अंदर आएंगे और अंदर एक कैंटीन बना हुआ है, सामने एक लोकोमोटिव रखा हुआ है। अभी आप देख सकते हैं अपने सामने यहाँ पे WDS-6 लोकोमोटिव, जो कि सिर्फ शंटिंग पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है भारतीय रेलवे में। और यहाँ आप देख सकते हैं दोस्तों एक WDP-4D सेलिब्रेशन लोकोमोटिव, और कुछ ऐसा अंदर से दिखता है आपका डीजल लोको शेड, जहाँ पे अलग अलग कॉरिडोर्स बने होते हैं हर लोकोमोटिव के लिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे एक छोटा मैं व्लॉग वगैरह करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो कैमरा कैसे एडजस्ट होता है वो देख लो। तो भाई लोग आज आते हैं, देखते हैं थोड़ा सा यहाँ पे लोको शेड को। वैसे तो हमारे कोई जानकार हैं, उन्होंने थोड़ी सी परमिशन दिलवा दी है व्लॉग की नहीं, बट स्टिल कुछ ना कुछ देखते हैं, कुछ मिल पाता है तो डेफिनेटली। तो दोस्तों थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और ये इस तरह की ना, जैसे आप शेड्स देख रहे हैं, ऐसे शेड्स बना रखे होते हैं इन्होंने, हर अलग अलग शेड्स बने हुए होते हैं। इन शेड्स के अंदर इंजन्स को खड़ा किया जाता है सबसे पहले ला करके, फिर उनके बगल में ऐसे एक कॉरिडोर टाइप बना रखा है, नीचे भी काफ़ी जगह गहरी सी जगह दे रखी होती है ताकि दिक्कत ना आए इंजीनियर्स को इनकी रिपेयर मेंटेनेंस करने में। ऊपर भी वो आराम से चढ़ सके, नीचे भी वो आराम से चढ़ सके, ऐसी कोई परेशानी जो है यहाँ पर नहीं आनी चाहिए। दोस्तों ये है डीजल लोकोमोटिव शेड, तो इस डीजल लोको शेड पे आपको सिर्फ और सिर्फ डीजल लोको दिखेंगे। भारतीय रेलवे यहाँ पे करता क्या है कि अलग अलग करके रखता है जो उसके डीजल लोकोमोटिव्स हैं, और तुगलकाबाद के जो डीजल लोकोमोटिव हैं उन सबकी रिपेयर मेंटेनेंस को यहाँ करेगा, और उसका जो एक ELS शेड अलग बना होगा जहाँ पर वो इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव की मेंटेनेंस करेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये इस तरीके से यहाँ पर करता है काम। यहाँ पर काफ़ी सारा जो है छोटा मोटा सामान खुला वुला रखा है, क्योंकि इनके अलग अलग ना चेंबर्स बने होते हैं, कहीं पे जैसे बड़ा काम कहीं होगा, कोई काम कहीं होगा, कोई काम कहीं होगा, इस तरह से। तो हर सेक्शन के जो लोग होते हैं वो अपने अपने काम में माहिर होते हैं। तो यहाँ पे लाइक आप देख सकते हैं इंजन्स यहाँ पे खुले रखे हैं सबके, तो वो इंजन्स वगैरह जो है यहाँ ठीक होंगे, व्हील्स वगैरह जो है वो किसी और चेंबर में ठीक होंगे, ऐसे अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट तरीके से तो है थोड़ा सा काम चलता है। थोड़ा सा इससे और नीचे उतरते हैं, आप देख सकते हैं EMD लोकोमोटिव्स की पूरी लाइन यहाँ पे, तो EMD लोकोमोटिव्स यहाँ आपको जो है सिर्फ देखने को मिलेंगे, खाली EMD लोकोमोटिव की पूरी लाइन लगी हुई है यहाँ पर। और दोस्तों यहाँ पे खड़ा हुआ है WAP-1 विद WBL-SR-HR 85HR सॉरी मुझे S5 हुआ पेंटो के साथ। तो ये जो आप देख रहे हैं गाजियाबाद था, जहाँ तक मुझे पता है ये WAP-1 है, और ये अभी भी TLS तुगलकाबाद को ट्रांसफ़र हुआ है। तो जैसे कि आप ऊपर देख सकते हैं, अशोक भाई दिखा दे रहा हूँ, ये जो लिखा है WBL-85HR, HR मीन्स हाई रेज पेंटोग्राफ है, ये जो हाई रेज OHE पोल्स है हमारे रेवाड़ी सेक्शन में, ये उसको ईजिली का मतलब टच कर सकता है, तो ये मॉडिफाई किया गया है, इसमें नया ये पेंटोग्राफ लगाया गया है। अच्छा, मतलब इसके जो वो होगा कैटिनरी वगैरह, वो सब नहीं लगाई गई है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ अच्छा लग रहा होगा काफ़ी आपको देख करके, और ज़्यादा मैं रिकॉर्डिंग यहाँ नहीं कर सकता बिकॉज ऑफ सम सिक्योरिटी इशूज़। आपको पता है भाई ये बहुत ज़्यादा सिक्योर जगह है, एंड रेलवे की बहुत सारी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे बिखरी भी पड़ी रहती है। दोस्तों ये एक और लोकोमोटिव जो आप देख सकते हैं पूरा यहाँ पे खुला वुला रखा हुआ है, मुझे नहीं पता मतलब कौन सा क्या पार्ट है, ना तो ही मुझे पता ना मैं आपको बताना चाहता। तो WDP-4B जो है लोकोमोटिव ये रहा, और ये थोड़ा सा अंदर से पैनल दिखाता हूँ आपको, ये पैनल किस तरीके का दिखता है यहाँ पे, ऑपरेटिंग पैनल एक EMD लोकोमोटिव का, कैसे उसको चलाया जाता है, नहीं कैसे चलाया जाता है वो तो हमें पता ही नहीं है जी। तो एक छोटा सा व्लॉग मैं आपको जो है दिखाना चाहता था अंदर से एक बार, इस अनसुलझी पहेली राज शो को, मतलब लोग नहीं देख पाते हैं इन जगह को, थोड़ा सा आपको एक बार दर्शन कराना चाहता था इस अनोखी सी जगह के, मैं इसलिए मैं जो है यहाँ पे आया था आप लोगों को थोड़ा सा दिखाने के लिए। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, मज़ा आया होगा, समझ में आया होगा, बढ़िया लगा है तो उसे लाइक करते हैं, इस वीडियो को शेयर करना दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। शुभम कुमार सैनी का थोड़े, थैंक यू, थैंक फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय।